राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे। राम राज्य तो दूर, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून के शासन नाम की कोई चीज बची नहीं है, और कानून व्यवस्था और सरकार का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। आदित्यनाथ जी, क्या आपकी भी कभी आंख खुलेगी? आदित्यनाथ जी, काश आपकी भी बेटियां होती, काश आपका भी परिवार होता, काश आपने भी अपनी भतीजी और भांजी के साथ छेड़छाड़ की व्यथा सही होती, काश आपके परिवार जनों को भी गुंडे विजयनगर गाजियाबाद में अगर आपको मालूम होता पीटते तो पता होता कि दर्द कैसे होता। अगर आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करने में असक्षम हैं, जैसा साफ साबित हो रहा है, तो उन्हें अपनी गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हमारे एक पत्रकार साथी विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जब दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये हालात हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है। दिवंगत पत्रकार हमारे साथी विक्रम जोशी के परिजनों के साथ तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, पर क्या ये नहीं दर्शाता कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, राम राज्य तो दूर, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून के शासन नाम की कोई चीज बची नहीं है, और कानून व्यवस्था और सरकार का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। उत्तर प्रदेश की यह घटना और ज्यादा दुर्दांत है। 16 जुलाई 2020 को हमारे दिवंगत पत्रकार साथी विक्रम जोशी की 17 साल की भांजी, उसके साथ छेड़छाड़ रवि नाम का एक गुंडा करता है, और उस बिटिया के भाई को सरेआम विजयनगर गाजियाबाद में पीटता है। विक्रम जोशी एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाने जाता है, पर आदित्यनाथ सरकार और उनकी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। रवि, छोटू और अन्य बदमाश फिर घात लगाए बैठे रहते हैं, और जब विक्रम जोशी अपनी बहन के नगर माता बहन के घर माता नगर गाजियाबाद में 20 जुलाई को जाता है, तो ये गुंडे 8 बजे साए को घर पर हमला बोलते हैं, शीशियां फेंकते हैं। विक्रम जोशी फिर पुलिस को फोन करता है, एसएचओ को फोन करता है, एसएचओ आने से इनकार कर देता है, और जैसे ही विक्रम जोशी घर से बाहर जाता है दोनों बच्चियों के साथ, तो उसकी 11:30 बजे नृशंस हत्या की जाती है। उसकी छोटी सी अबोध बिटिया अपने बाप को जगा जगा कर कह रही है कि पापा उठ जाइए, पापा उठ जाइए और हमें घर लेकर जाइए, परंतु विक्रम जोशी दोबारा कभी आंख नहीं खोलते। आदित्यनाथ जी, क्या आपकी भी कभी आंख खुलेगी? आदित्यनाथ जी, काश आपकी भी बेटियां होती,
काश आपका भी परिवार होता, काश आपने भी अपनी भतीजी और भांजी के साथ छेड़छाड़ की व्यथा सही होती, काश आपके परिवारजनों को भी गुंडे विजयनगर गाजियाबाद में अगर आपको मालूम होता पीटते तो पता होता कि दर्द कैसे होता है, परिवारजनों का खोने का दर्द क्या होता है, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी समझते हैं? और उत्तर प्रदेश में तो साथियों पत्रकार होना पाप हो गया, पत्रकारिता उत्तर प्रदेश में पाप हो गई है, अपराध हो गई है। याद करिए 29 अक्टूबर 2019 को लखीमपुर में इसी प्रकार से रमेश मिश्रा नाम के पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, आदित्यनाथ जी ने आज तक कुछ नहीं किया। मिर्जापुर में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने की खबर दिखाने वाले पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मिड डे मील में दूध में पानी मिलाकर बच्चों को दिए जाने की उत्तर प्रदेश में कलई खोले जाने वाले पत्रकार भी पर भरी एफआईआर कर दी गई। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गोद लिए गए गांव की हकीकत उजागर करने वाले पत्रकार को सुप्रिया शर्मा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। योगी जी द्वारा फैजाबाद में खुद लॉकडाउन का उल्लंघन करने की खबर दिखाने वाले वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन जी आज भी एफआईआर और मुकदमा भुगत रहे हैं। बिजनौर में 5-5 पत्रकारों पर आदित्यनाथ जी ने एफआईआर दर्ज कर ली। आजमगढ़ में जब एक पत्रकार ने ढोल की पोल खोल दी तो उसे एफआईआर दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। नोएडा में गाजियाबाद के साथ जो लगता है पत्रकारों पर आदित्यनाथ जी की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। क्या पत्रकार अब भाजपा को गैंगस्टर और गुंडे नजर आते हैं? एक पत्रकार प्रशांत ने ट्विटर पर कुछ लिख दिया तो मुकदमा दर्ज हुआ, बड़ा मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से छुटकर आया है। यूपी में घटिया पीपीई किट की खबर चलाने वाले स्थानीय चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एसआईटी की जांच बिठा दी गई। क्या भाजपा शासित प्रदेशों में पत्रकार होना अपराध हो गया है? क्या पत्रकार अब गैंगस्टर की परिभाषा में आते हैं? क्या पत्रकारों के बुलाने से जानलेवा हमले होने पर विक्रम जोशी जैसे पत्रकारों के बुलाने से पुलिस नहीं आएगी? गुंडों को खास तौर से नामजद गुंडों द्वारा पत्रकारों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाएगी? और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत दयनीय हैं और कुछ उदाहरण जरूरी हैं वो बात जो मैं कहने वाला हूं उसके लिए। 28 अक्टूबर 2018 को आगरा की अदालत में यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव जी की हत्या कर दी जाती है। कहां है यूपी का शासन और प्रशासन? 12 अक्टूबर 2019 को झांसी में पंडित जगदीश सहित 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया जाता है। आज के युग में जिंदा जलाना, कहां है भाजपा? 14 अक्टूबर 2019 को झांसी जिले के पीपरी बाजार में एक परिवार के 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। 29 अक्टूबर 2019 को लखीमपुर में पत्रकार रमेश मिश्रा जी का कत्ल कर दिया जाता है। 31 दिसंबर 2019 को शामली में भजन गायक अजय पाठक के पूरे परिवार को धारदार हथियारों से काट काट कर फेंक दिया जाता है। 4 जनवरी 2020 को प्रयागराज में यूसुफपुर सेवायत क्षेत्र में सोमदत्त तिवारी उनकी पत्नी और 5 परिवार के सदस्यों को कत्ल कर दिया जाता है बड़े निर्शंस और अमानवीय तरीके से। 25 अप्रैल 2020 को एटा जिला के स्वास्थ्य कर्मी राजेश्वर प्रसाद पचोरी के 5 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है।
2 जुलाई 2020 को प्रयागराज में बिमलेश पांडे के 5 परिवारों को शायद इतना अमानवीय और नृशंस हत्या नहीं होगी जो होता है। और अब विक्रम जोशी की नृशंस हत्या सरेआम होती है, परंतु आदित्यनाथ जी हैं कहां? भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून का शासन है कहां? क्या ये वो रामराज है जिसका वायदा भाजपा ने करके सत्ता ली थी? इससे बड़ा गुंडा राज और जंगल राज हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में तब्दील कर दिया है, और हमारी ये मांग है कि अगर आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करने में असक्षम हैं, जैसा साफ साबित हो रहा है, तो उन्हें अपनी गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।